उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में कई वर्षों से चल रहे देह व्यापार के कार्य को हापुड़ पुलिस ने कराया बंद। देह व्यापार में शामिल 12 महिलाएं 3 पुरुष को पकड़ा। आपको बता दें, हापुड़ जनपद में थाना हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला आदर्श नगर कॉलोनी व गांव जसरूप नगर में देह व्यापार का रैकेट चल रहा था। इस देह व्यापार में मेरठ, नेपाल व आसपास के जनपदों से महिलाओं को बुलाकर देह व्यापार कराया जाता था। इस देह व्यापार में पुलिस ने 13 महिलाएं 3 पुरुषों को पकड़ा और आपत्तिजनक सामान बरामद किया। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हापुड़ के एसपी अभिषेक वर्मा को। देखिए, थाना कोतवाली नगर और हमारी एएसपी की जो जॉइंट ऑपरेशन में ये एक रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है, जो थाना कोतवाली के आदर्श नगर और जसरूप नगर क्षेत्र में चल रहा था। इसमें लगभग 12 महिलाएं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया और साथ में वहां से मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इनमें पूछताछ में पाए गए कई महिलाओं को अपने यहाँ रखती थी और बाहर की महिलाएं जैसे नेपाल, मेरठ और अगल बगल के जनपदों की भी महिलाओं को ये लोग अपने यहाँ कार्यरत कराती थी और इनसे गलत तरीके से अनैतिक देह व्यापार करवाते थे। इसमें पूर्व में भी कुछ ऐसे लोग गिरफ्तार हुए जो पूर्व में भी इस तरीके के अपराधों में लिप्त हुए। हापुड़ कोतवाली पुलिस व संयुक्त टीम ने कोतवाली क्षेत्र में चल रहे इस देह व्यापार पर तो कार्रवाई कर दी। क्या थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में चल रहे देह व्यापार के रैकेट को भी पकड़ पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो न्यूज़ ATC फास्ट, हापुड़।